ठीक है। पहले रिवीजन करवा देते ना पीछे का, ठीक है। चलो बताओ एनसीएफ का फाउंडेशन कब हुआ, बोलो। हाँ 2005, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, जो बायोलॉजी स्टडी करते हैं तो इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टडी करते हैं कि वर्टिकल। हाँ, लाइफ वास्तव में लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस, ठीक है। तो वास्तव में लाइफ क्या है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है टेक्निकल, दूसरा होता है फिलोसॉफिकल। पहला होता है टेक्निकल, दूसरा होता है फिलोसॉफिकल। टेक्निकल क्या बताता है, नॉन लिविंग से डिफर कैसे है, और दूसरा लिविंग का मतलब क्या है, व्हाट इज लिविंग, है ना। और फिलोसफिकल में क्या हो जाएगा, पर्पज ऑफ लाइफ। तो पर्पज ऑफ लाइफ जो फिलोसफिकल में आता है, टेक्निकल में क्या है, व्हाट इज लिविंग, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द नॉन लिविंग, है ना। टेक्निकल और फिलोसफिकल दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ चीजें आज ही बताएं, ठीक है। देखो, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताया थे खत्म, ठीक है, ठीक है। देखो तो ये मैंने आपको बताया था, एक जो एनसीएफ का फाउंडेशन बताया था, कब हुआ था ये, 2005, ठीक है, 2005, ये पहला लाइन है यहाँ पे, ठीक है। नेशनल करिकुलम्स एंड फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, ठीक है। एक पॉइंट हमने ये बताया जो आपको मार्क करना है, जिनका मार्क ना हो मार्क भी करते चलेंगे साथ में, ये रिविजन चल रहा है लेकिन मार्क भी कर लेंगे, ठीक। आगे देखो, एक पॉइंट तो यहाँ था, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, अगला टॉपिक था हमारे पास और वो साइंटिस्ट से रिलेटेड था, और साइंटिस्ट का भी मैंने फिगर दिखाया आपको, इनका नाम क्या है, देखो अर्नेस्ट मायर, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले थे, ये केम्प्टन जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, 1904, और डेथ कब हुआ बताओ, 2004, ठीक है। और दूसरी बात, अलेक्जेंडर एगेजिस भी इनको बोला जाता है, अर्नेस्ट मायर को बोला जाता है, ठीक है। और डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी अर्नेस्ट मायर, कितने अवार्ड मिले इनको, कौन कौन से, पढ़ के आए हुए लग रहे हैं, ठीक है। एंडरसन प्राइज, ये बताओ कि बेल्जियन प्राइज कब दिया गया, 1983। क्रिफोर्ड प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, 1994, ठीक है। इन्होंने स्पीशीज की डिफिनेशन दी थी, स्पीशीज की डिफिनेशन किसने दी, जॉन रे ने, बायोलॉजिकल स्पीशीज की अर्नेस्ट मायर ने, ठीक है, अर्नेस्ट मायर, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। लाइफ फॉर्म का मतलब बताया था क्या, प्लांट है कि एनिमल है, मतलब लाइफ किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो प्लांट के फॉर्म में हो सकता है या तो एनिमल होगा, उसको हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे लाइफ फॉर्म। और लिविंग प्रोसेस मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, है ना, उसको हम लोग बोलते थे क्या, क्या बोलते थे, लिविंग प्रोसेस, है ना। तो लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। और दूसरी बात हम लोग बात करते थे यहाँ पे, एक पॉइंट था यहाँ पे, और वो क्या था, देखो द बिगेस्ट स्पिन ऑफ, सबसे बिगेस्ट स्पिन क्या था, ठीक है, ऑफ सच स्टडी वाज द रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ कैसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। हाइटल ले लो विकास बाबू, हाइटल नहीं है, हाइटल से करो, पेंसिल क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे, इसके बाद सॉरी इसको आगे कर से करें, ठीक है। तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे बायोलॉजी, तो एक जो क्वेश्चन था पहला, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म लिविंग प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास था द बिगेस्ट प्रिंस ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग नॉलेज, ठीक है, एंड दिस नॉलेज इज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ये थे हमारे अर्नेस्ट मायर, ठीक है। एटीट्यूड देखने वाला नहीं, देखो कुछ कितना एटीट्यूड होगा, और होना भी चाहिए, कितने साल इनकी लाइफ स्पेन रही बताओ, हाँ 100 साल, 1904 से 2004, और जन्म हुआ 5 जुलाई 1904 केम्प्टन जर्मनी में, ठीक है। और क्या थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोला जाता है, साथ साथ अलेक्जेंडर एगेजिस बताया था,
और साथ में इनका काम कहाँ कहाँ था पता है? पहले बताया कौन सा? ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि इनको तीन अवार्ड दिए गए, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो ये थोड़ा सा लाइन जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो ये पॉइंट था यहाँ पे। हाँ, इन्होंने जो क्या दिया था, देखो बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनेशन दिया था और इनको तीन प्राइज मिले थे, इसको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बायोलॉजी जो बेल्जियन प्राइज कब दिया गया, 1983। इंटरनेशनल प्राइज कब दिया गया, 1994। और क्रेफोर्ड प्राइज कब दिया गया? ठीक है, तो पहला हमारा था कौन सा? बेल्जियन प्राइज। और दूसरा कौन सा था बताओ? और तीसरा कौन सा बताओ? ठीक है, बेल्जियन प्राइज कब दिया गया, क्रेफोर्ड प्राइज 1994, इंटरनेशनल प्राइज 1994, क्रेफोर्ड प्राइज बताओ 1999। ऐसे याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका BIC, याद रहेगा। BIC से याद करोगे तो सिक्वेंस याद रहेगा, 83, 94 और 99, समझ गए? तो तीनों ऐसे सिक्वेंस याद कर लीजिएगा। चलो, ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात हमने बताया था कहाँ कहाँ इनका काम था, पता ही होगा आपको। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड, ठीक है, टैक्सोनॉमी यानी कि नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे, जू जियोग्राफी धरती पे एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, प्लांट कहाँ है, एनिमल कहाँ है, इवोल्यूशन उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, सिस्टमैटिक है ना, सिस्टमैटिक बारे में उनका अरेंजमेंट कैसे अरेंज किया गया, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। एंड द अच्छा न्यू सिस्टमैटिक अगर पूछा जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक किसने दिया? जूलियस हक्सले। किसने? जूलियस हक्सले। यहाँ हम लोग बात करते हैं एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। देखो शुरुआत में पूरा हम करवा देंगे आपका पूरा एनसीईआरटी वाले पॉइंट, लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाए तो कुछ अलग से कुछ पॉइंट जो हो गए उसको मैं ऐड करा दूंगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया सबसे लास्ट में करेंगे इसको। देखो दूसरी बात करें फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे केम्प्टन जर्मनी, ये इंपॉर्टेंट है। जन्म हुआ 5 जुलाई 1904 में। ठीक है, और दूसरी बात ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। कैसे थे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जो इवोल्यूशन के बारे में काफी ज्यादा काम करते थे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो क्या है बोलो? हाँ, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, और बाकी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात क्या थे, ये प्रोफेसर किसके थे? इमेरिटस, है ना, जूलॉजी के प्रोफेसर थे। ठीक है, क्या है? जूलॉजी के प्रोफेसर थे। क्लियर, तो इतने पॉइंट तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि कहाँ हुआ जन्म, केम्प्टन जर्मनी में, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी थे, जूलॉजी के प्रोफेसर थे। ठीक है, और दूसरी बात इनको जो है बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनेशन बताई थी और इनको अवार्ड, तीन अवार्ड दिए गए, कौन कौन से? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बेल्जियन प्राइज, ये चीज हो गई। ठीक है, माइग्रेशन क्यों लड़की बहुत मत रही। ठीक है, देखो समझ गए, कोई दिक्कत इसमें? समझ गए? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चलो, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, नहीं? चलो, सोते सोते बिल्कुल। ठीक है, चलो देखो यहां दिखा हुआ, देखो यहां एक मैं बताया था कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, वास्तव में लाइफ क्या है, है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। और जरा देखो इसमें क्या लाइफ है, देखो यहां पे एक पॉइंट था, व्हाट इंडीड लाइफ, वास्तव में लाइफ क्या है। कह रहे हैं कि दिस क्वेश्चन हैज टू इंप्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट, और इसमें दो क्वेश्चन इसके अंदर है, लाइफ क्या है इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन है। ठीक, देखो बताया गया, पहला कौन सा, देखो फर्स्ट इज टेक्निकल, पहला कौन सा है? टेक्निकल है। और क्या सीक मतलब होता है? खोजना, किसी के बारे में सर्च करना, खोजना। सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, वास्तव में लिविंग क्या है और वो नॉन लिविंग से कैसे अलग है, है ना। और दूसरे बताया थे कौन सा था यहाँ पे? फिलोसॉफिकल, तो सेकंड था फिलोसॉफिकल था। और एक है सिक्स आंसर टू व्हाट पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज लिविंग,
ये तो बारे में हो गया हम लोग। लिविंग क्या है, इसकी हम लोग प्रॉपर्टी बताई थी, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होता है इसमें, ग्रोथ होता है ना, रिप्रोडक्शन होता है, और क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है ना, क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने बता दी थी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में बताया था, पूरी डाइवर्सिटी कितनी है धरती पे, 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है। और टर्म बायोडाइवर्सिटी कितने पॉपुलाइज किया था, हाँ किसने, देखो दिख रहा है, ये दिख ही नहीं रहा है, ठीक है दिखेगा, देखो दिख रहा है, विकास दिख गया, मतलब दिख गया नहीं, चलो देखो। तो ये हमने एक चीज बताया था यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी एक्ट बताया, और क्या बताया था बताओ, 2002 बायोडाइवर्सिटी 2002, और बायोडाइवर्सिटी वर्ड को पॉपुलराइज किसने किया था, एडवर्ड विल्सन ने, ये इकोलॉजी में आपको बताएंगे, ठीक है, कहाँ पे, इकोलॉजी में। खैर ये तुम लोग इसकी बात कर रहे थे। दूसरी बात यहाँ पे हो गया बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और कितना बताया हमने, 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन हो गया, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके बाद आईसीजीडन का फुल फॉर्म बताया, बताओ क्या है, हाँ ठीक है, और आईसीबीएन का बताओ, हाँ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नामकरण, है ना, तो ये होगा यहाँ पे, सिस्टमैटिक हो गया था, कहाँ तक करा दिया इसमें, मैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी ना, तो मैं सोच रहा हूँ, हाँ हाँ दिख रहा हमको भी, देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना, ये मैंने करा दिया था पूरा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, तो इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पे आपको बताया था, कुछ ऑर्डर बताया था इसमें, याद है, बताओ, सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, सबको याद है इसका मतलब, है ना, देखो एक सबको दिख रहा है ना, किंगडम के बाद क्या बताया बताओ, अच्छा इसमें एक कुछ चीजें ऐड कर लीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट दिया था फाइलम का, ये दिया था, पता है किसी को, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलम किसने दिया, क्यूबियर ने, किसने, क्यूबियर ने, किसने, क्यूबियर, ठीक है, कुछ पॉइंट इसमें जहां पे हमने लिखा होगा मैं लिख लिया, क्यूबियर, ठीक है, फाइलम, फाइलम के बाद क्या था देखो, क्लास, है ना, क्या बताया आपको, क्लास, क्लास के बाद बताइए, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, ठीक है, और फैमिली के बाद एक चीज ध्यान रखना है इसमें, फैमिली के बाद क्या कर रहे हो, देखो इधर, फैमिली की बात अगर हम बात करेंगे तो एक इसमें ऐड कर लीजिए, ट्राइब, ठीक है, ये क्या है बता रहा हूं, ये क्या है, ट्राइब की बात क्या है बताओ, फैमिली हो गया, फैमिली वाणी से क्या था, जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, ठीक है, एक बार पूछा गया था ऐसे, पूरा क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फैमिली के नीचे जीनस के ऊपर कौन, ट्राइब है, ठीक है, इसको मार्क कर लो, आपने किया ही होगा, वहीं लिए नोट कर लो, इसको लिख लो, ठीक है,
कभी कभी क्या होता है, इसे जीनस के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जीनस के आगे फैमिली के बीच में एक ही फैमिली के कई सारे स्पीसीज होते हैं जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, और उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइब। बस में अब देखो, जैसे आप जो आपने सुना होगा जनजातियाँ, सुना जनजातियाँ, जैसे झारखंड वाला एरिया है जहाँ पे जो नक्सलवादी एरिया है, पता नहीं नक्सलवादी नक्सली एरिया है, वहाँ कहते हैं कि वहाँ पे जो जनजातियाँ रहती हैं वो कैसी होती हैं, तो प्राप्त वहाँ पे मतलब डेवलपमेंट नाम के जीरो है ना, कोई डेवलपमेंट नहीं है, भुखमरी है वहाँ पे, ठीक है, रोजगार नहीं लोगों के पास, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो ट्राइब उसी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे समझ लो इसको, हम लोग ट्राइब को इतना ध्यान रखना, फैमिली और जीनस के बीच में इतना बहुत है। एक बार क्वेश्चन आया था तो हो सकता है बीच में पूछ लिया जाए। और फाइलम टर्म देने वाले कौन थे, क्यूबियर, ठीक है, याद रहेगा, नोट कर लीजिए, जहाँ पे हमने नोट कराया उसी में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देखो आगे, अब हम लोग बात करते हैं, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, थोड़ा सा रिवाइज करा दे पीछे करना, अच्छा मॉर्निंग से चलता रहा क्या ऐसे, अच्छा बालोजी चल रही है क्या, मजा आती है, उसी में खटखट हो रहा है, मतलब ढोल मजीरे नगाड़े सब हैं इसमें, है ना, खटखट पटपट सारे होंगे, ठीक। चलो आगे देखो, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपका सेंटर कहीं पड़ा है और ऐसे खटखट आवाज आ रही है, क्या करोगे, एग्जाम छोड़ दोगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, है? अरे यार हद हो गई, नहीं डिस्टर्ब नहीं होना, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, कहीं भी कुछ भी हो रहा होता है उसको मतलब कह सकते हो, उसके रिस्पांस दो तरीके से हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रिस्पांस, आपको हर हाल में पॉजिटिव होना है। उसमें जैसे जब आप जाते हो किसी बॉस इज ऑलवेज राइट, होता है, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, लाइव चल रहा है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो रैगिंग के लिए बात करते हैं, है ना, तो रैगिंग के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, दोनों मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। पॉजिटिव ये है कि कैसी भी कंडीशन आ जाए, आप मान लो इमरजेंसी में हो, इमरजेंसी की कंडीशन सबसे बहुत ही खराब होती है, हाँ बहुत खराब होती है, आप अकेले, मान लो आपकी ड्यूटी लगी हुई है, लगेगी भी, है ना, और अचानक 5-10 पेशेंट आ गए एक साथ इमरजेंसी में, ठीक है, और भी लोग रहेंगे आपके, बट आप अकेले हो मान लो, तो कैसे हैंडल करोगे। और उसके अलावा ये तो खैर एक जो है वो तो है ही है, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, इधर होता है होता है, मेरा मतलब ये है कि उस कंडीशन, ये तो मैंने एक चीज बताई कि आपके पास 4-5 पेशेंट हैं और खासकर सारे एक्सीडेंटल केस हैं, ट्रामा वाले, ठीक है। और दूसरी दिक्कत ये है कि जाते मान पेशेंट ने गाली देना शुरू कर दिया, क्या करोगे फिर, डबल दिक्कत। अब दो तरीके हैं, या तो उस आप उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दो, और या तो पेशेंट देखो, है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, दोनों चीजें हैं, तो अपना अपना साथ लीजिएगा उसमें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो है, क्योंकि आपको वहां किस लिए रखा गया है, इमरजेंसी डॉक्टर हैं आप, वो तो खैर पेशेंट के साथ आया है, है ना, उसको नहीं पता, उसने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है ना, उसको क्या पता डॉक्टरी क्या होता है, वो कैसे देखना होता है, है ना। उल्लू कहते हैं CPR देते देते आदमी मर गया, ये कहते हैं ना इसको दबा दबा के मार डाला, ऐसे हुआ था रामनो लोहिया में, उसे CPR दे रहे थे, तेज से उसको दबा के थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाया जा रहा था, और वहां बोल दिया कि भाई उसको दबा दबा के मार डाला है। अब बताओ डॉक्टर कौन दबा के मारेगा, बताएगा CPR दे रहे सर, इससे थोड़ा सा उसको जाना, जिसको जाना तो जा ही जाएगा। मेरा कहने मतलब ये है, वहां पे ये है कि आपको पेशेंट देखना है, चाहे वो आपको गाली दे, इसको बंद कर दो, बंद कर, बंद कर, ठीक है। तो वहां पे आपको पेशेंट देखना है, क्योंकि तो पेशेंट आपके अलावा कोई नहीं होता पेशेंट का, मैं बता दूं साहब, उसे जो देखभाल करने वाले सबसे मेन जो है वो आप ही होते हैं, पेशेंट आपके साथ साथ जो आते हैं, जैसे 12 बजेगा सो जाएंगे, वो किसके भरोसे, वेंटिलेटर पे है तो वो सब आपके भरोसे है,
तो आपको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अगर आपके दिमाग में वही चीज है, किसी के भाई था ना जो गाली दे रहा था, फिर तो गलत हो जाएगा ना, है ना। तो ये चीज रहा इसमें, तो वहां पे आपको देखना है। और रैगिंग में ये चीज आपको थोड़ा सा सिखाया जाता है कि आपको कभी भी सब चीजें नहीं आई। अगर आपकी रैगिंग नहीं हुई है, आप कभी सीनियर से अपना इंटरव्यू नहीं हुआ आपका, है ना, तो ये सब चीजें नहीं पता है, तो आप क्या कर जाओगे, फिर वही करोगे जो नॉर्मल लोग करते हैं। तो आप में और नॉर्मल इंसान में क्या फर्क रह गया, तो रह गया नहीं रह गया, है कि नहीं। तो वहां पे पेशेंस रखना है, पेशेंस ही मेन चीज बहुत बड़ी चीज होती है। और जब आप देख लोगे, यकीन मानो वो बाद में आएगा और आपसे माफी मांग के जाएगा कि सर मैं, आपने मेरे भाई को बचा लिया और कितना मैंने गाली दी आपको, है ना। तो वो अभी नहीं, लेकिन जब बाद में वो बाद में सोचेगा, वो आपसे माफी मांगी मैंने गलत किया था, वो तो माफी मांग लिया, लेकिन आप गलत कर जाते तो कितनी बड़ी बात हो जाती, आदमी की लाइफ जा सकती थी, माए कुछ। इसलिए कभी भी पेशेंस रखना है बहुत ज्यादा, पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत सारे कठिन कठिन आपको कंडीशन आ सकती है जहां पे आपको होश हवास नहीं खोना है, और लास्ट तक जब तक पेशेंट की सांसें चल रही हैं आपको कभी नेगेटिव नहीं भूलना है कि नहीं कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसको अवेयर कराते रहोगे भाई कंडीशन गड़बड़ है, ठीक नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इतना बताते रहोगे उसको। अचानक बताओगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लगातार बीच बीच में उसको बताते रहो, ठीक है। इसको बंद कर दो, दोनों बंद कर दो, ऐसी बोल दो चला दो उस पर, और है ना, ठीक है। जब बोलो देखो ऐसी और कम कर, चला दो, दिक्कत हो जाए ना, ठीक है, समझ गए। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी चीज है ना। इसलिए आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, नेगेटिव चीजें मत लाओ, क्योंकि नेगेटिव लाओगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। खैर, ठीक है, ये सब चीजें हैं जो आपको बहुत, और अकेले अकेले आपको मान लो चार पांच लोग आपके होंगे, दो दो तीन तीन लोग की मान लो ड्यूटी लगाई जाती है इमरजेंसी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर क्यों मेंटेन नहीं कर रहा है, टेम्परेचर क्यों नहीं मेंटेन कर रहा है, इसको नहीं अभी और कम करवा देते होते ना, तो ठीक है बंद कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आप हमेशा ये सोचो कि आप जो है, आप डॉक्टर से डिफरेंट कैसे हो, उसमें कुछ तो अलग चीज होनी चाहिए ना, जैसे नॉर्मल आदमी वैसे आप भी, तो क्या फर्क रह गया, पचला गया। डॉक्टर के लोग इतना तवज्जो क्यों देते, उसकी वजह यही है, वो डिफरेंट होता है इसी मायने में कि वो, आप किसी नॉर्मल बंदे को गाली दे देते हो वो आपसे लड़ना झड़ना शुरू कर देता है, डॉक्टर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता वो, उसमें उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, किसको गाली दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि आप क्योंकि कॉन्शियस माइंड में हो, आपको पता हो सब में कि आपके साथ पेशेंट बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, किसी का गुस्सा किसी में निकलता है, नहीं भाई मान लो कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला के चला गया, उसका गुस्सा वहां पे उतर जाए, वो तो भाग गया और उसका गुस्सा आप उतरेगा, तो वहां पे आपको अपने आप को बिल्कुल थोड़ा सा वो नॉर्मल रखना है, नहीं पता लगा आप भी शुरू हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, देखते होंगे आप हॉस्पिटल में ऐसे दिक्कतें होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती, हो सकता आपको वो हाथ भी उठा दे, बहुत सारे ऐसे नेता टाइप के लोग आ जाते हैं, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारा, मद्रास में कई सारे केस हुए हैं ना, किस पे हड़ताल चली थी, ज्यादा हो गया था फिर वो, ठीक है, यहाँ तक कि वो शायद आई होप डेथ हो गए थे उसमें, है ना, वो केस हुआ था। खैर, मेरा मतलब ये है कि वहां से आज बाहर से चीजें हो सकती, इसमें कोर्ट भी काफी इसमें आदेश दिया है कि अब कोई डॉक्टर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बस में तो ये सब चीजें हैं। खैर, तो मेरा बताने का पर्पज ये है कि पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। अब देखो क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब याद रखिएगा, और फाइलम को देने वाला कौन थे, केबियर, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये तो हो गया था। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर था हमारा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के बारे में, है ना, जो रिवाइज किए होंगे जिनको पता है वो तो बता देंगे इसमें, ठीक है। जैसे हमने बताया था नेचुरल सिस्टम किसने दिया, है बैंथम और एक और ध्यान रखना जेनरा प्लांटेरम, क्या जेनरा प्लांटेरम एक बुक है, वो भी बैंथम और हुकर ने ही दिया था, कौन सी बुक, जेनरा प्लांटेरम, वो भी बैंथम और हुकर ने दिया था, ये भी क्वेश्चन आया था बहुत पहले, अब आने की उम्मीद नहीं इसकी, ठीक है।
दूसरी बात हमने बताया था कि जो आपका प्लांटेरम प्लांटेरम ठीक है, जनरा प्लांटेरम ठीक है। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये बताया था हमने ठीक है। ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? क्लैडिस्टिक में। क्या बोलते हैं इसको? क्लैडिस्टिक ठीक है। और आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया? कैरोलस लीनस ने दिया ठीक है। और कौन सी बुक थी उनकी जिसमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था? सिस्टमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टमा नेचुरी थी ठीक है। और इसको एक दूसरी सिस्टमा नेचुरी जब आई थी 1735 में आई थी, 1735। और इसी के बाद इनकी दूसरी बुक आई थी 1753 में ठीक है। और इसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। क्या नाम था? स्पीशीज प्लांटेरम। 1735 में सिस्टमा नेचुरी, 1753 में स्पीशीज प्लांटेरम ठीक। स्पीशीज प्लांटेरम ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले आया था 1980 और 82 के दशक में ठीक, अब नहीं आया ठीक है। लिनियस ने, दोनों इन्हीं की बुक है, सिस्टमा नेचुरी या स्पीशीज प्लांटेरम किसकी है? लिनियस की है ठीक है। और जनरा प्लांटेरम किसकी है? जनरा प्लांटेरम बैंथम और हुकर की ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नेचुरल सिस्टम किसने दिया? बैंथम और हुकर ने, दो दो हैं यहाँ पे ठीक है। जहां पे जो आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। खैर, इसके बाद हमने बात किया था यहाँ पे कि जो फंजाई को डिवाइड किया गया था, एल्गी को डिवाइड किया गया था। फंजाई को हमने बताया था कितने क्लासेस थे फंजाई के? चार। पहला बताया हमने, दूसरा, तीसरा ठीक है। ये बताओ कि इसमें सेप्टा किसमें एब्सेंट थे? सेप्टा किसमें एब्सेंट थे? फाइकोमास्टिन। बाकी सब में सेप्टा पाए जाते हैं। म्यूकर किस क्लास से बिलोंग करता था? फाइको। राइजोपस फाइकोमास्टिन ठीक है। म्यूकर फाइकोमास्टिस हो गया ठीक है। एल्ब्यूगो फाइकोमास्टिस ठीक। और हमने कोड क्या बताया था वहां पे? राम ठीक है, राम ठीक है। एपोकार्पस ओवरी कहां मिलेगी? अब उसे यहां से वहां चलेगा डायरेक्ट, रैंडमली कर लेते हैं। नहीं भाई, एपोकार्पस ओवरी कहां मिलेगी? रोज, लोटस, माइसिलिया, राम मनोहर लोहिया। रोज, लोटस, माइसिलिया, राम मनोहर लोहिया। नहीं, कविता बन गया था पूरा, है ना ठीक है। आगे हमने बताया था यहाँ पे क्या बोल रहे हो ठीक है। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि जो हाँ, कौन सा ऐसा फंजाई था जो यूनिसेक्सुअल था? ईस्ट है। कौन सा? ईस्ट है। ईस्ट का दूसरा नाम क्या है, केमिकल नाम? सेक्रोमाइसिस सेरेबेसिया है ना। सेक्रोमाइसिस क्लेविसेप्स किससे बिलोंग करता है? क्लेविसेप्स एस्कोमाइसिस। ट्राइकोडर्मा मोरेलो ट्रफल एस्कोमाइसिस है ना। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिस ठीक है। और मशरूम किससे बिलोंग करता है? बसिडियोमाइसिस से ठीक है। और कोलेटिव ट्राइकम अल्टरनेरिया डिट्रोमाइसिस से है ना। ये तो पूरा फंजाई के बारे में हो गया। और दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे कि किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं? डिट्रोमाइसिस। और किसमें सेक्स आर्गन एब्सेंट होते हैं? दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपसे पूछे सेक्स आर्गन किसमें एब्सेंट होते हैं, क्या बताओगे? सेक्स आर्गन किसमें? बसिडियोमाइसिस में ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे? डिट्रोमाइसिस में ठीक है। चारों ही हो गए। इसके बाद हमने बताया था किसके बारे में? क्लास के बारे में। अच्छा, दूसरी बात बताया था हमने इसके रिप्रोडक्शन के बारे में है ना। बताओ वेसिट्यू, बताओ वेसिट्यू फ्रेगमेंटेशन फिजन और बडिंग ठीक है। और इसके बाद हमने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर बसिडियोस्पोर और ओस्पोर होता है। ए बी ओ से बताया था, नहीं ए बी ओ से ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, अगला हमारे पास था एल्गी के बारे में। और एल्गी को हमने बताया था यहाँ पे कि जो इसमें स्टोर फूड मटेरियल साथ साथ में इसमें जो पिगमेंट होते हैं है ना, उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया था तीन क्लास में। कौन कौन सा? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में कौन कौन सा पिगमेंट था? क्लोरोफिल ए और बी। और फियोफाइसी में अच्छा ठीक है, ये जो कैरोटीनाइड होता है ये फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल?
और एंथोसायनिन, एंथोसायनिन वाटर सॉल्युबल, एंथोसायनिन वाटर सॉल्युबल, कैरोटीनॉइड फैट सॉल्युबल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका, ध्यान रखिए, कैरोटीनॉइड के बारे में आया था। ठीक है, अब बताओ कि कितने फ्लैजिला होते हैं रोडोफाइसी में, पियोफाइसी में, तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल और एपिकल होता है। ठीक, स्टोर फूड मटेरियल पियोफाइसी में लेमिनरिन और मैनिटाल होता है। ठीक, लेमिनरिन और मैनिटाल होता है, और रोडोफाइसी में फ्लोरियन स्टार्च होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बताया था यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, किस सन में दिया, कितने क्राइटेरिया थे, नाम बताओ सबके, ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन, बाकी लोग रिवाइज नहीं किया गया, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, बताया था, बताया करो उसमें, है ना। ठीक है, ठीक है, तो एल्गी आपका हो गया। ठीक है, और एल्गी के बारे में बताया था यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि जो अगार अगार कहाँ से निकालते थे, एल्जिन कहाँ से निकालते थे, ठीक है, ब्राउन एल्गी से निकालते हैं अगार अगार, और साथ साथ में मैंने बताया था कैरागिन कहाँ से निकालते थे, रेड एल्गी निकालते थे, किससे, रेड एल्गी से। रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला नहीं होता है, ये बताओ ऊ गैमस टाइप कहाँ पे होता है रिप्रोडक्शन, ऊ गैमस, हाँ क्या ऊ गैमस कहाँ होता है, और फ्यूगस में होता है, दो टाइप की कॉलोनी कहाँ बनती है, वॉल बॉक्स में, एयर बेडर कहाँ होता है, शांति बैठी हुई हो, रिवाइज नहीं किया, नहीं पढ़ो, अच्छा ठीक है, फ्यूगस में, कहाँ पे, फ्यूगस में, डिक्टियोटा, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी, कौन सा, ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी, योलोथ्रिक्स डिक्टियोटा हो गया, कौन सा, पॉलीसाइफोनिया, इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है ना, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी हो गया। ठीक है, इस बात हमने बताया था ग्रेसलेरिया, बताओ, हाँ जेलेडियम रेड एल्गी हो गया। ठीक है, ये बताओ उसमें पॉलीट्राइकम क्या है, पॉलीट्राइकम क्या है, अरे इसमें ब्रायोफाइट क्या है, ब्रायोफाइट, मल्टी सेलुलर राइजोट कहां मिलेगा, मॉस में, किसमें, मॉस में। ठीक, तो बता दो फिर से यहां पे कि जो गैमेटोफाइट होता है मॉस में वो क्या बनाता है, मेल गैमेट की फीमेल गैमेट, गैमेटोफाइट दोनों बनाएगा भाई, मेल गैमेट और फीमेल, मेल से सारुन क्या बोलते थे, ब्रायोफाइट में इंथ्रीटियो, इंथ्रीटिया, एंथ्रोजॉइट, एंथ्रोजॉइट है ना, और फीमेल को आर्चिगोनियम, कैसा सेप होता है इसका, सेप कैसा, प्लास सेप होता है, आर्चिगोनियम सेल क्या बनाता है, एक ही सेल, एंथ्रोजॉइट्स ओवम बनाएगा, क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइट, एंथ्रीडियम जो है एंथ्रोजॉइट बनाता है, क्या बनाता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, एंथ्रोजॉइट बनाएगा, और वो क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज करने के बाद क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर, स्पोर कैसा होगा, हेप्लाइट डिप्लाइट, हेप्लाइट होगा, और ये आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोर से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर साइकिल लगातार ये चलती रहेगी। ठीक है, एडियंटम का क्लास बताओ, टेरोप्सिडा, ठीक है, इक्विसिटम बताओ, स्पिनोप्सिडा, कौन सा, स्पिनोप्सिडा, ठीक है, और टेरिस बताओ, डायप्टेरिस, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, ठीक है, ये तो क्लास हो गया हमारे टेरोफाइट के। ये बताओ कि जो ब्रायोफाइट में इसमें गैमेटोफाइट क्या बोलते थे, ब्रायोफाइट में प्रोटोनिमा है ना, और टेरोफाइट में प्रोथैलस है, क्या है, प्रोथैलस। ठीक है, तो ये बताओ कि इसमें मैक्रोफिल कहां कहां पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में,
और जिम्नोस्पर्म होता है टेरिडोफाइट में होता है, टेरिडोफाइट में है फंस पाए जाते हैं, फंस में मैक्रोफिल पाए जाते हैं, और माइक्रोफिल कहाँ होता है? सिलेजिलिया में। कहाँ पे? सिलेजिलिया में, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में कौन सा हेटरोस्पोरस होता है? सारे होते हैं जिम्नोस्पर्म में, सारे होते हैं कौन से? हेटरोस्पोरस। अच्छा, ब्रांच कहाँ पाए जाते हैं? शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म कहाँ पाए जाते हैं? इनको बैलोबे में, सिड्रस में होता है, ठीक है। और हमने बताया था अनब्रांच कहाँ होता है? बस साइकस में, हाँ ठीक है, साइकस में है। और ब्रांच कहाँ कहाँ था? पाइनस और सिड्रस में था, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट हमने प्लांट कौन सा बताया? वुल्फिया, ठीक है। कौन सा सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म बताओ? सिकोया है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेड वुड ट्री बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया प्लांट किंगडम। इसके बाद कौन सा कराया आपको? वायरस। चलो बताओ, अच्छा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, हाँ कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया? विजय ने, तब उल्टा सीधा बता रही लड़की। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम फिर बता रही थी, पहले जो बता रही थी विजय ने, बिल्कुल ठीक है। और वायरस में सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया? स्टेनले ने, इन द ईयर 1935, ठीक है। वायरस में आरएनए होता है कि डीएनए होता है? दोनों हो सकते हैं, लेकिन कभी दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। ये बताओ कि जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन काज करता है? वायराइड। इसमें आरएनए कैसा होता है? हाई मॉलिक्यूलर कि लो? लो होता है ना। और प्रियान में क्या होता है बताओ? न्यूक्लिक एसिड की प्रोटीन, प्रियान में, प्रियान दोनों होता है, तो वायरस नहीं हो जाएगा फिर? प्रियान क्या है? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है बच्चे। प्रियांस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटीन है, लिविंग इन्फेक्शियस प्रोटीन प्रियान। कौन कौन सी बीमारी काज करता है बताओ? जैकब डिजीज, यार क्रेटफुल जैकब डिजीज है ना, लाफिंग डेथ भी बोलते हैं, क्रू डिजीज भी बोल सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा, प्लांट हो गया, एनिमल अभी पढ़ाया नहीं, वो करवा देंगे। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन सॉरी रिप्रोडक्शन में, है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैप भी बचा हुआ उसको करवा देते हैं, ठीक है। बताओ पहला मोमेंट कब होता है? इसको बोलने दो विकास, बताओ। फिफ्थ मंथ में। और क्या होता है पहले में? ओ जब पहला मोमेंट, उसके साथ साथ कुछ क्या होता है? और क्या है पहले महीने में क्या बनता है? हार्ड बनता है, ठीक है। सिक्स मंथ में क्या बनता है? हेयर से। और बस हो गया सिक्स मंथ, और क्या क्या था बताओ? याद आया? आईलिड सेपरेट, आईलेसेस आर फॉर्म, है ना। पहला जो मिल निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। कौन सा एंटीबॉडी बताया? आईजीए होता है। कौन सा? आईजीए। और जब एलर्जी होती है तो वहां पे आईजीई होता है। कौन सा? आईजीई होता है, ठीक है। अच्छा बताओ 14 डे पे कौन कौन से हार्मोन हाई होता है? एलएच, एफएसएस और एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है? लो होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट करा देंगे रिवाइज में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम लोग देख सकते हैं। तो बता दीजिए आपको, देखो कुछ चीजें होंगे यहाँ पे तो आपको इसमें करवाते जाएंगे। देखो क्या लिखा है, देखो क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। यानी क्लासिफिकेशन में सिंगल स्टेप नहीं होता है। आप देखिए रहो यहाँ, देखो सिंगल है क्या? नहीं, इतने सारे इसमें क्राइटेरिया लिखना, किंगडम लिखना पड़ेगा, फाइलम होगा, क्लास होगा, ऑर्डर होगा। क्या सिंगल स्टेप है? नहीं, ये पहली चीज सिंगल स्टेप नहीं है, ठीक है। बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप, इसकी पूरी हायरार्की होती है, बताया था यहाँ पे नीचे से ऊपर तक सिस्टम ये पूरा लिखा जाता है, इसको बोलते हैं हायरार्की। पूरा नाम क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। देखो आगे दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ कह रहे हैं कि
since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category. So taxonomic category बोल सकते हैं, कह रहे and all categories together constitute taxonomic hierarchy. इन सबको मिला के हमने क्या बताया, देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोले कि टैक्सोनॉमिक रैंक बोले कि टैक्सोनॉमिक, और क्या होता है तीनों, क्या कैटेगरी रैंक या टैक्सोन, इसको आप टैक्सोनॉमी जो कैटेगरी लिखी हुई है ठीक है, इसको क्या क्या लिख सकते हो, टैक्सोनॉमी रैंक लिख सकते हैं क्या, टैक्सोनॉमी रैंक और क्या रैंक टैक्सोन कैटेगरी लिखा हुआ है ना, टैक्सोनॉमिक है तो टैक्सोन तो है ही एक है ठीक है, ध्यान रखिएगा टैक्सा जो है वो प्लूरल है, टैक्सॉन क्या है सिंगुलर है ना, कैसा सिंगुलर, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी, तो टैक्सोनॉमिक रैंक भी बोल सकते हो, ये जो बता रहे हैं आप ये जो है किंगडम फाइलम क्लास सब क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल सकते हो, टैक्सोनॉमिक रैंक बोल सकते हो, और इन सबको मिला के जो मैंने ये ऑर्डर बनाया है इसको क्या बोलिएगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसी को ऑर्गेनाइज करना कहलाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली ट्राइब जीनस स्पीशीज सबके सब क्या है यूनिट है, किस चीज का क्लासिफिकेशन का, बहुत सारे यूनिट मिलकर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाते हैं, देखो आगे इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इट इज कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन, इसको हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं, टैक्सा प्लूरल है टैक्सॉन सिंगुलर ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल, इंसेक्ट रिप्रेजेंट ऐसे बहुत सारा आया हुआ है, इंसेक्ट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक थ्री पेयर ज्वाइंटेड लेग, इंसेक्ट में क्या होता है तीन पेयर ज्वाइंटेड लेग होता है, होता नहीं होता ठीक है, तो ये देख रहा ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड बोलते हैं आर्थो, क्या बोलते हैं आर्थो ठीक है, यहां देखो तीन पेयर कितने पेयर है तीन पेयर इंसेट हो गया, और कैसे होते हैं ज्वाइंटेड होते हैं, कैसे होते हैं ज्वाइंटेड होते हैं ठीक है, ये मान लो मक्खी या मच्छर ठीक है, इंसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो तीन पेयर ज्वाइंटेड लेग होता है, किसकी बात कर रहे हैं इंसेक्ट की ठीक है, दूसरी बात देखो इट मींस इंसेक्ट आर रिकॉग्निजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी, इस तरीके से जो हमने इंसेक्ट लिखा है इंसेक्ट जो हमने इंसेक्टा इंसेक्टा क्या इंसेक्टा क्या है इंसेक्टा क्या है क्लास है ये क्या है क्लास, हम किसकी बात कर रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं, इनमें कोई ना कोई देख के बताओ उसमें कि क्या है ठीक है, तो इंसेक्टा हो गया, इसी के बेस पर नाम रखा गया है क्योंकि ये इंसेक्ट है साथ साथ इसमें ज्वाइंटेड लेग है, साथ साथ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे रिमेनिंग कैटेगरी कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, और जो कैटेगरी होता है ये इसको रैंक भी बोल सकते हो, कह रहे हैं कि ईच रैंक और टैक्सॉन, अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म उसका भी नाम रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जितने भी पॉइंट होते हैं सबके सब यूनिट होता है, लेकिन आगे से पूछे फंडामेंटल यूनिट कौन होती है, सबसे बेसिक यूनिट कौन सी होती है स्पीसीज होती है ना, सबसे स्मॉलेस्ट है सबसे फंडामेंटल, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एंड मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोल सकते हो ठीक है, देखो कहने के दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगराइज एंड डिस्टिंग बायोलॉजिकल एंटिटीज नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देख के नहीं बल्कि पूरी बॉडी के अंदर का जो फिजियोलॉजी है उसको देख के भी चीज कैटेगराइज की जाती है, देखो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, दूसरा क्या है फाइलम डिवीजन, इसी और ध्यान रखना तो फाइलम और डिवीजन की बात करते हैं, हमने फाइलम लिखा है लेकिन डिवीजन नहीं लिखा है, फाइलम और डिवीजन ये अलग अलग रैंक के होते हैं कि एक ही रैंक के होते हैं, एक ही रैंक के दो टैक्सॉन है ना, देखो तो एक ही रैंक के होते हैं, बस प्लांट के लिए हम लोग डिवीजन यूज करते हैं और एनिमल के लिए फाइलम यूज करते हैं, इतना है, लेकिन दोनों की रैंक क्या है सेम है,
सेकेंड रैंक पे आएगी फाइलम भी और डिवीजन भी। प्लांट के लिए क्या यूज करेंगे और एनिमल के लिए, ठीक है, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे उसी की बात करें। देखो करें यहाँ पे फाइलम डिवीजन, देखो लिखा हुआ है फॉर प्लांट, प्लांट के लिए डिवीजन, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया एंड स्पीसीज हो गया। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, और इसमें स्पीसीज क्या है लोवेस्ट कैटेगरी है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल किंगडम हो। तो पूछ सकता है कि प्लांट किंगडम में लोवेस्ट कैटेगरी होती है स्पीसीज की एनिमल किंगडम में, दोनों में, तो प्लांट किंगडम की सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी है स्पीसीज, और एनिमल किंगडम की भी कौन है स्पीसीज, ठीक है, वही बताया गया लोवेस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे जो स्पीसीज हो गया ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, ये सबसे नीचे लिखा हुआ, ठीक है, बेसिक बोल सकते हो, फंडामेंटल बोल सकते हो, लोवेस्ट बोल सकते हो या स्पीसीज। और स्पीसीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, जॉन डे, बालस्पर स्पीसीज, अर्नेस्ट मायर, ध्यान रखिएगा। देखो आगे, एज द लोवेस्ट कैटेगरी, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस, क्लियर यहां तक हो गया। अब देखो यहां पे क्या है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, इधर समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कुछ पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक रैंक भी इसको बोल सकते हो। अब आते हैं आगे, कह रही कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ करेक्टर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये इंसेक्ट का ग्रुप है कि एनिमल है कि एम्फीबिया है ना कि फिश है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, दिस हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कौन सा क्लासिफिकेशन, हमने एक बताया था आपको टैक्सोनॉमिकल एड, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे बेस्ड था, की बात कर रहे, याद है कुछ की मैंने बताया था सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे बेस होता है, की के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे फंडामेंटल यूनिट कौन सी है स्पीसीज, तो हम लोग स्टार्ट भी यहीं से करते हैं स्पीसीज से। देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। तो अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल सिमिलरिटीज मिलती, फंडामेंटल मतलब क्या है, बेसिक है, डाइजेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें अगर चलती हैं तो उसको फंडामेंटल में आती है। वन शुड एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोज रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, बाहर से देखने में वो आपको ऑर्गेनिज्म अलग दिखेगा, है ना, तो मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर, एक्सटर्नल। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका की बात करें आप, क्या है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से कौन सा नाम सही है, इसने क्वेश्चन किया होगा, मिला होगा, देखो यहाँ पे आप लोग बताइएगा, मैंगीफेरा इंडिका ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, समझ गए, और ऐसे बहुत सारा दिया गया आप सब में, बताओ इंडिका लिखा, ध्यान समझ लेना, ठीक है, बताओ इसमें कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मथिरा नहीं है, अरे मैं नहीं किया तो गलत थोड़ी ना हो गया, ये बात होती है, अंडरलाइन किया नहीं मैंने, पहला और दूसरा ये वाला दोनों सही है,
दूसरा सेकेंड, और कोई बताओ विकास, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। देखो ऐसे जब क्वेश्चन आए ना, इसमें क्वेश्चन सही या गलत मोस्टली नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा ज्यादा सही है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्या बताओगे क्यों ऐसा है, क्योंकि यहां साइंटिस्ट का नाम भी आ गया है जिसने इसको डिस्कवर किया है, ठीक है। तो ये सबसे बेटर है, मैंगी फेरा इंडिका लिन, लिन मतलब लिनियस ने इसके बारे में बताया, तो ये सबसे सही है, क्वेश्चन करो तो मिले क्वेश्चन, ठीक है। खैर यहां बात कर रहे हैं मैंगी फेरा इंडिका, दूसरा बताया गया सोलेनम क्या ट्यूबेरसम, किसका नाम है पोटैटो, पोटैटो में क्रोमोसोम नंबर होती है, ठीक। देखो आगे एन पैंथरा लियो, क्या है ये लायन, क्या है लायन, है ना। देखो आगे ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबेरसम एंड लियो, इंडिका की बात करें, ट्यूबेरसम की बात करें, लियो की बात करें, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट को, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया कि इसमें कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट करता है। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगी फेरा सोलेनम पैंथरा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है जीनस को, किसको जीनस को, या जेनरा बोल सकते हैं, आर जेनरा, एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, ये हायर लेवल है, स्पीशीज तो ऊपर ही है, स्पीशीज नीचे है और जीनस ऊपर है, इसलिए बोला गया हायर लेवल। ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहें कि जो जीनस होता है, ईच जीनस मे हैव वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनके जीनस तो सेम हो लेकिन वो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो, है ना, वो ऑर्गेनिज्म क्या हो अलग अलग हो, जैसे बताया था हमने पैंथरा, है ना, पैंथरा लियो, क्या है ये लायन है, दूसरा क्या बताया हमने पैंथरा टिग्रिस, क्या है ये टाइगर है, जैसे पैंथेरा पर्डस, ये क्या है, है लेपर्ड, समझ में आया। तो आप क्या देख रहे हो इसमें, तो इसमें इनके जीनस क्या है, सबके सेम है, जीनस क्या है सेम, ठीक है, पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा पर्डस लेपर्ड, तो जीनस तो सेम है लेकिन इसकी स्पीसीज अलग है, दोनों अलग होते, भाई टाइगर अलग होता है लायन अलग होता है कि नहीं, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ईच जीनस में हैव वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, लेकिन कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज हो सकती हैं, जैसे आप शेर को देखो, चीते को देखो और तेंदुए को देखो, लेपर्ड को देखो, क्या सिमिलरिटी नजर आएगी आपको, तीनों को तीनों कार्निवोर हैं, क्या है कार्निवोर है और दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे आपको, दोनों काम करने का तरीका, अटैक करने जानवर पे अटैक करने का तरीका सबसे लगभग सेम होता है ना, वही कह रहे हैं कुछ ना कुछ आपको सिमिलरिटी दिखेगी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, फॉर एग्जाम्पल पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड द टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक द नाइग्राम, इस सोलेनम की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सोलेनम ने तीन स्पीसीज बताई थी, कितनी तीन, है ना, हाँ बोलो, हाँ देखो तो यहां पे सोलेनम नाइग्राम क्या है ये, हाँ मकोए है, क्या है विकास, उनको जानते हो मकोए, उनको नहीं जानते हो मकोइया, मकोई मतलब मकोइया, ये बढ़िया है, मकोई देखा होगा, देखो ऐसे होता, देखो यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे लगे होते हैं छोटे प्लांट होते हैं, देखा है, और ब्लू कलर के ही होते हैं, हाँ पर्पल कलर का होता है, ठीक है ठीक है, देखो 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 हो गया भाई, देखो दूसरा हमने बात करें यहाँ पे सोलेनम मिलोंजेना, व्हाट इज दिस, है ब्रिंजल है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रिंजल, ये क्या है ब्रिंजल है, ब्रिंजल मतलब बैगन है ना, ब्रिंजल हो गया, क्या है बैगन, दूसरा बताओ, अच्छा सोलेनम ट्यूबेरसम,
ये क्या है? पोटैटो है, ठीक है। और ये हो गया मकौ, इसको बोलते हैं। अच्छा, इसकी फैमिली क्या है बताओ? पोएनेसी, ठीक है। तो ये मकौ हो गया, डिंजल हो गया और पोटैटो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कह रहे हैं यहां पे तीनों का जीनस सेम है ना, जीनस तीनों क्या हो गया? सेम हो गई। और खास बात क्या है, ये कहां पे सिमिलरिटी मिलेगी? एक तो होगा फैमिली, इन तीनों की फैमिली क्या होगी? सोएनेसी। तीनों की फैमिली क्या है? सोएनेसी है, ठीक है। खैर देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है टोमेटो और पोटैटो को लेकर, किसी को पता है? बताए, टोमेटो और पोटैटो में किस बात में सिमिलरिटी है? टैक्सोनॉमिक इसकी बात कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात कर रहे हैं। किंगडम में सेम है, हाँ प्लांटी है दोनों में। सबसे ज्यादा किंगडम तो बहुत ऊपर चला गया, तो डिफरेंट नहीं हो जाएंगे, वेरिएशन हो जाएगा। नीचे से बताओ जीनस, क्यों जीनस कैसे? क्या दोनों जीनस सेम है? टोमेटो पोटैटो जीनस सेम है? अच्छा, वही तो मेन खेल है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, अरे नाम है टोमेटो और क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, अब बता दिया आपने नाम पूछा, और बोलो तब मेरे से ही पूछोगे। फैमिली सोलेनेसी, और कुछ? अब ऑर्डर में कहाँ जा रही हो? ऑर्डर में क्यों जा रही हो? फैमिली सेम हो गई ना दोनों की। अरे भाई, टोमेटो की फैमिली भी क्या है? सोलेनेसी। और पोटैटो की फैमिली क्या है? हो गया, इनका मतलब दोनों की फैमिली क्या है? सेम है। आपको समझा? तो फैमिली लेवल पे सिमिलरिटीज है, किस लेवल पे? लेकिन नाम दोनों का अलग अलग है। पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबरसम, और टोमेटो का नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। मैं कुछ ठीक है, समझ गए? तो जीनस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फैमिली मिल रही, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लिख ही देते हैं यार, ठीक है। ये है टोमेटो, टमाटर। टोमेटो और पोटैटो, उसको मिला के एक नया बनाया गया था, पता है? पोमैटो, बिल्कुल सही आंसर, पोमैटो बनाया गया था। कौन सा वो था कैटेगरी, इसमें मेथड क्या था, कैसे बनाया गया था? टोमेटो पोटैटो को मिला के प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, क्या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करके बनाया गया था? यानी कि दोनों में एक ही चीज लेके आओ, पोमैटो, आलू का मजा और बैगन का भी मजा, सॉरी हाँ टमाटर का भी, मैं दोनों ना एक ही में, तो अलग अलग नहीं, हाँ इसी में। लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं था, बेनिफिट नहीं हुआ, इसलिए ये काम नहीं करता है। टोमेटो नाम है, टोमेटो और पोटैटो को मिला के, ठीक है, समझ गए? आगे पढ़ाएंगे इसको प्लांट ब्रीडिंग में। खैर, हो गया। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे नाइग्राम एंड मिलांजेना, ये देखो ये तो सेम कलर हो गया, ठीक है। देखो, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस, बताओ ह्यूमन बींग की बात करें तो नाम क्या है बताओ? होमो सेपियंस। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इधर, देखो इधर इधर, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, बताओ नाम सही कि गलत? देखो गौर से, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो बताइए कि इसमें कौन सा क्या नाम है नॉमेनक्लेचर जो सही किया गया है, और दूसरी बात ये इससे रिलेटेड इसके सिम्टम जो है वो कैसे मतलब मैच करता है, तो बताओ। देखो प्लाज्मोडियम, हाँ सही बात है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम ये क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है, और ये क्या कास करता है? मलेरिया, मलेरिया की सबसे खतरनाक मलेरिया, सीवियर मलेरिया, ठीक है। पूरी अगर हम बात करेंगे पूरी मलेरिया में सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम।
ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में दिया गया था प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड इट कॉजेस सीवियर मलेरिया, समझ गए? उससे मलेरिया की मैं बात किया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और कौन सा, प्लाज्मोडियम और वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, कितने हो गई? चार हो गई। और सबसे खतरनाक कौन, सबसे खतरनाक कौन सी है? फैल्सिपेरम। ठीक है, सुना है कुछ? तो ये भी क्या है, सही है, ये क्वेश्चन करोगे तो मिलेगा आपको। देखो फिर, तो ये ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसी सेपियंस विच इज ग्रुप इन द जीनस होमो, किसमें आता है? होमो में। द साइंटिफिक नेम दस फॉर द ह्यूमन बींग क्या बोलेंगे इसको? होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस सेमियस, ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, देखो ये तो हम लोग बात करें इसकी, यहाँ पे स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो एक चीज और देख लो, क्या ऐसा जरूरी हमेशा है कि जो दो आगजम हो उनके जीनस और स्पीसीज दोनों सेम हो जाए? जरूरी है? हो सकता है, कभी हो जाता है? बताओ, नहीं हो सकता। कैसा पॉसिबल है कि जो स्पीसीज उसके एक ही स्पीसीज हो उसके जीनस स्पीसीज दोनों सेम हो जाए? पूछा समझा, एक ही स्पीसीज हो उसके जीनस स्पीसीज दोनों सेम हो जाए, हो सकता है? बताओ मसीरा, नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मारो मारो, किंग कोबरा का नाम बताओ। किंग कोबरा क्या नाम है? जुलॉजिकल नेम बताओ। कोबरा है क्या नाम है, किसी को पता है? एक मछली होती है कतला नाम बोलते हैं उसको, कतला का नाम बताओ। मारो गोली। रेड का जुलॉजिकल नाम बताओ। देखो आया रैटस, रैटस क्या जीनस और स्पीसीज सेम है कि नहीं? एक ही स्पीसीज हो दोनों, क्या जीनस स्पीसीज सेम हो सकते हैं? ये मैंने पूछा, समझ गए? तो जीनस स्पीसीज सेम हो सकता है और इसको बोलते हैं टाटोनिम्स। क्या बोलेंगे? टाटोनिम्स। जैसे कि मैंने बताया आपसे, पूछा किंग कुबरा का नाजा, नाजा ठीक है, क्या है नाजा, नाजा किंग कोबरा क्या है? नाजा, नाजा ठीक है, क्या हुआ, कुछ आ नहीं रहा क्या? छोटा है, एक्चुअली लिखने के लिए भी यूज कर लेते हैं ना, दिख नहीं रहा क्या उसमें? क्लियर नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हाँ बोलो, रैपिड के छोड़ो। ठीक है, अब यहां और ओरिक्टोलागस क्यूनिकुलस और सही है, और ओरिक्टोलागस क्यूनिकुलस ठीक है, और फैमिली मत पूछना, लेगोमार्फा होता है उसका। देखो इधर उधर मत जाओ, इधर जितना उतना याद कर लो, वो बड़ी बात है। अब देखो नाजा, नाजा ही दिया हुआ है, ठीक है, नाजा नाजा, इसमें जीनस भी क्या है नाजा, स्पीसीज भी क्या है नाजा, कतला कतला ये भी मिलेगा आपको, कतला क्या है जीनस, कतला क्या है स्पीसी, कतला जानते हो ना, मछली जो होती है एडिबल फिश होती है, मैरीन या फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर होती है, सार्डिन हिल्सा पॉम्परेट मैक्रेल ये, अरे बहुत होते हैं ये जो मैंने बताया आपको, सार्डिन हिल्सा मैक्रेल पॉम्परेट ये होते हैं मैरीन फिशेस होते हैं जो एडिबल होते हैं, क्या होते हैं एडिबल होते हैं, समझ गए? और बाकी आप तो जानते हो, यहाँ पे लेबियो रोहू बोलते हैं, चना चना, कतला कतला है ना, ये मछलियां हैं। तो ध्यान रखिए इसको बोलते हैं टाटोनिम्स। क्या बोलते हैं? अगर जीनस और स्पीसीज एक ही स्पीसीज का सेम हो जाए उसको बोलते हैं टाटोनिम्स। क्या टाटोनिम्स? देखो मैं यही लिख देता हूं, क्या बच्चे क्या बोल रहे हो? टाटोनिम्स ठीक है, जीनस और स्पीसीज दोनों सेम हो जाए, इसको लिख लेना। तो जीनस इज इक्वल टू स्पीसीज, समझ गए?
अगर जीनस स्पीसीज सेम हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको, टाटोनिम्स। एग्जांपल आई लिख लो, नाजा नाजा, लेकिन लिखने का तरीका वही होगा, जीनस को कैपिटल से स्पीसीज को स्मॉल से, ठीक है। नाजा नाजा किंग कोबरा का, रेटस वेटस रेट का, कतला कतला जो मछली होती है उसका, ठीक है, समझ गए। ये होता है टाटोनिम, क्लियर। वैसा पॉसिबल सेंटेंस बना देगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही स्पीसीज का जीनस स्पीसीज सेम हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, समझता है, इसको बोलते हैं टाटोनिम, क्लियर। अब आ जाओ आगे, बोलो जीनस, हाँ दो बार होता है वो, ट्राइनोमियल नॉमनकेचर में होता है, ट्राइनोमियल वो नहीं है इसमें, ठीक है, वो आगे आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ दो है, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस फ्यूचरलिस, ऐसे भी है, ठीक है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ो। तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, आगे कर रहे हैं हम बात कर जीनस, ठीक है, जीनस। तो कैसा हो जाए तो ऐसे पूछेंगे, तो क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन हाँ ये जो 15 क्वेश्चन देते हैं ना लोग, उसमें लोग डाल सकते हैं, 15 क्वेश्चन लोग बाहर से कुछ ला रहे हैं, दो क्वेश्चन, लेकिन हाँ उसमें भी ऑप्शन रहते हैं, 15 क्वेश्चन में 10 करने होते हैं, 5 छोड़ने होते हैं, है कि नहीं, लेकिन आपको छोड़ना एक भी नहीं है, सारे करना है, ठीक है। देखो अब कह रहे हैं यहाँ, देखो मतलब ये हैबिट डालना है कि 15 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, जब यहां से आएगा तभी तो वहां छोड़ पाओगे, है कि नहीं। खैर देखो अब कह रहे हैं कि ये हो गया जीनस की बात कर रहे थे, जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज, फिर जो जीनस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, एक जैसे जो स्पीसीज होते हैं उनको ग्रुप बनाया गया, कौन सा जीनस, विच हैज मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनस। आपको पता है यहाँ पे दो लोग के जीनस एक जैसे हो गए, यहाँ देखो सोयनम नाइग्राम सोयनम मिलांजना, जीनस तो क्या हो गया सेम हो गए, लेकिन ये नाइग्राम क्या है मकोय है, मिलांजना क्या है ब्रिंजल है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि दो अलग अलग चीजों को एक जैसे एक चीज में कनेक्ट कर दिया गया, उसका नाम क्या है जीनस। कह रहे हैं कि वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। पोटैटो और ब्रिंजल मैंने बताया कि दो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, लेकिन दोनों के जीनस क्या है सेम है। अगर पूछें हाँ जनरा, जनरा को जीनस बोलते हैं, अगर पूछें पोटैटो जनरा सॉरी ब्रिंजल में क्या क्या सिमिलरिटीज है तो क्या बताओगे, दोनों के क्या सेम है स्पीसीज की जीनस, जीनस सेम है। आपसे पूछे कि जो कतला कतला है इसमें क्या सेम है, जीनस भी और स्पीसीज भी, उसको बोलते क्या है टाटोनिम्स, क्या बोलेंगे टाटोनिम्स। तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे, अब देखो आगे नोट कर लिए इतना। अब यहां पे कह रहे हैं इसके देखिए, कह रहे हैं कि जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, दोनों बताए यहां पर पोटैटो का और ब्रिंजल का, आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम। लायन की बात करें जैसे पैंथरा हो गया लियो, लीपर्ड पैंथरा पर्डस, और टाइगर हो गया पैंथरा टिग्रिस, विद सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथरा। इन सबके जीनस क्या है, तो जीनस सेम लेकिन स्पीसीज अलग अलग है, ठीक है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस, जैसे फेलिस की बात करें, फेलिस विच इंक्लूड कैट, अब कह रहे जो फेलिस क्या है ये जीनस हो गया, तो बिल्ली या बिल्ली की तरह कोई दिखेगा तो उसको हम रख देंगे किसमें फेलिस में, किसमें रख देंगे फेलिस। जैसे बिल्ली की पूरा बात करेंगे तो पूरा नाम बताया था बताओ, नहीं 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 बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिकस, ठीक है कैट है, ये कैट का नाम है क्या फेलिस डोमेस्टिकस। फेलिस क्या है बताओ, डोमेस्टिकस क्या है स्पीसीज, ठीक है ते फेलिस हो गया, ठीक आगे देखो, तो फेलिस यहाँ पे जीनस हो गया। अगला हमारे पास है क्या फैमिली, और सेम टाइप के जीनस को मिला के एक फैमिली में रखा गया है, सिमिलर टाइप। देखो यहाँ पे द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। अब क्या होगा सिमिलरिटीज कम होती जाएगी, क्योंकि हम लोग ब्रांच से बढ़ती जा रही है, सिमिलरिटीज
कम होती जाएगी। ठीक है, कह रहे कि फैमिलीज आर कैटराइज ऑन द बेसिस ऑफ, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। देखो डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस ठीक है, देखो इसे मास्टिका डोमेस्टिका, डोमेस्टिका यहां पे फैमिलीज डोमेस्टिकस बोलते हैं। ठीक है, यहां देखो फैमिलीज आर कैटराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, इसको मार्क करो, ये पूछ सकता है कि फैमिलीज आर कैटराइज ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर कैटराइज किया गया है, तो वेजिटिव बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव बोलेंगे, है दोनों, क्या मतलब इसका समझ ले, वेजिटिव मतलब क्या है बताओ शगुन, व्हाट डू मीन वेजिटिव, ठीक है बताओ श्रेया, प्लांट का पूरा पार्ट, एक मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल सही, फ्लावर को छोड़ के, प्लांट का पूरा पार्ट फ्लावर को छोड़ के क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव, समझ गए ना बात को, हाँ तो मतलब रूट स्टेम लीव्स ये सारे किस में पार्ट आएंगे, वेजिटेटिव में आएगा, है ना, फ्रूट ये सब वेजिटेटिव में आएगा, पर अगर फ्लावर की बात करेंगे सिर्फ, तो फ्लावर किस में आएगा, रिप्रोडक्टिव, इसमें वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव भी, ऐसे पूछ लेगा कि जो फैमिलीज जो है किस बेस पे डिवाइड किया गया है, पहला ऑप्शन वेजिटेटिव, दूसरा ऑप्शन रिप्रोडक्टिव, और तीसरा हो जाएगा बोथ, और चौथा हो जाएगा नन, क्या करोगे बोथ हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है ये। एमंग प्लांट एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनरा, सोलेनम, सोलेनम की बात करें यहाँ पे, सोलेनम अगर आपसे पूछे क्या है तो क्या बताओगे, जेनरा या जीनस, सोलेनम क्या है जीनस, पिटूनिया क्या है जीनस, डटूरा क्या है, ये तीनों जीनस है, उस्माया डटूरा क्या है जीनस, और पिटूनिया क्या है, ये भी जीनस है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये सब जानते हो, डटूरा तो आपको पता ही होगा, डटूरा पता है, कैसे टाइप होता है, हाँ देखो पता है विकास को, सबको पता होगा, पूजा पाठ में लोग यूज करते हो ना, हाँ ठीक है ठीक है, काहे ले कुछ रीजन है क्या, ऐसे ही उनको पसंद है क्या, पसंद है क्या धतूरा, रियली चलो ठीक, अच्छी नई जानकारी मिल गई, खैर खैर, तो ये धतूरा की बात कर रहे हैं, वैसे ये दूर रहो ज्यादा सही है ना धतूरे से, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, यही कह रही है रियली, मेंटल मेंटल हो जाता है उसको, हेलुसिनेशन होता है, ठीक ठीक, इधर इधर जब इसको जब नशा हो जाता है इसको लोग पूजा फिर क्यों करते हैं, ठीक है ठीक है, इधर देखो इधर देखो, धतूरे से हेलुसिनेशन होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको, जो पढ़ाएंगे एलएचडी एलएचडी और जो आपका आएगा क्या नाम ये ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है ड्रग्स वाला चैप्टर जो आएगा उसको करवाएंगे, इससे जो आपको हेलुसिनेशन होगा, मतलब ये कहने का मतलब कि आपको अगर मान लो कोई बाहर गाय भी दिखेगी तो आपको शेर लगा नजर आएगा, भैया इसको हटाओ यहाँ से, कहाँ से आ गया, ठीक है तो उसको पागल ही कहना ठीक है, होगा कुछ वास्तव में उसको दिखाई, आप भी क्यों करिए यार अजीब पागल आदमी है, वहां पे बैल खड़ा है वो कह रहा है शेर आ रहा है, तो वास्तव में उसको दिख रहा है इसलिए बोल रहा है वो, ठीक है तो ये धतूरा होता है, इसके आगे बताएंगे हम लोग उसके बारे में क्या बात करना है, खैर लेकिन इसे धतूरे से दूर रहो, देखो इधर इधर, इसके बाद एक पिटूनिया बताया गया है, पिटूनिया देखा होगा प्लांट आपका, देखा होगा ना पिटूनिया की सीड निकलते हैं, सीड को लोग गांव में खाते हैं इसको फ्राई कर करके, धतूरे का और सॉरी पिटूनिया का, पिटूनिया का, ठीक है इसके सीड जो है अच्छे लगते हैं, लेकिन 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 इसका जो अंदर इसके जो निकलता है ना, इसमें जो डस्ट निकलता है, डस्ट बहुत ही खतरनाक है ये, उस डस्ट को लेके किसी के बॉडी में डाल दो फिर देखो डांस, खुजली होता है बहुत ज्यादा, याद है खुजली बहुत होता है, खूब खुजलाएगा, हाथ में डाल दो हाथ खुजलाएगा, पिटू ने किया है देखो, कह रहे मैंने किया है,
दाने खाए जाते, कुछ लोग खाते हैं दाने खाते हैं, ठीक है। हाँ तो बड़ा सब कुछ होता है, नैपकिन पॉलिथिन करके बहुत खतरनाक होता है वो, खुजली बहुत तेज होती है, खुजला खुजला के। हाँ देखो देखो देखो, ये हम लोग बात कर रहे हैं दतूरा पिटूनिया। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये जाना नहीं कि कहाँ पाया था, इसका यूज क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि ये जाना जरूरी है पिटूनिया दतूरा और सोयनम ये क्या है स्पीसीज की फैमिली जीनस है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे बोले जीनस, कौन कौन बताए यहाँ पे, सोलेनम ठीक है, दतूरा और पिटूनिया ठीक है, अगर नहीं तो गड़बड़ कर सकते हो, उसको ध्यान रखिएगा कि दतूरा पिटूनिया क्या कह रही संध्या मालती ठीक है। देखो इधर रिसर्च मत करो, बस इतना हो गया, देखो सिर्फ इतना ध्यान रखो, इधर जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ देखो, सोलेनम की बात करें आप देखना, जब एमबीबीएस पहुंच जाना था रिसर्च करना खूब, कहां से न्यूरॉन कहां से डैमेज हो गया, कौन सी बीमारी हो गई, वहां देखो कोई यहां कोई जरूरत नहीं है, यहां से निकल जाओ बस, ये जो है ना ये यहां से लेके मेडिकल कॉलेज तक का जो रास्ता है ना, हाँ ये बहुत बड़ा बैरियर है ठीक है, यहां से निकल के उसके बाद रिसर्च करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देखनी है बस ठीक है, हम आपको बता दिया करें। देखो तो इसलिए बहुत सारी चीजें होती है जो हम आपको नहीं बताते हैं क्योंकि वो एग्जाम रिलेटेड नहीं होते टाइम के, उसका बेस्ट करना है ना। देखो इधर तो सोलेनम दतूरा पिटूनिया मैंने बताई बहुत को सारी चीजें आपने पूछा इसे बता दिया, नहीं बताते नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये जेनेरा है, क्या है जीनस है जेनेरा है, ये इंपॉर्टेंट है और कोई खास चीज में इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक। कहां से आता है, हाँ सेम है जीनस को जेनेरा बोलते हैं ठीक है, कहां से आया क्या होता है क्या होता है क्या खाया कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जेनेरा है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर नहीं ध्यान दोगे कि यहाँ पता नहीं चल रहा है आपको, सोलेनम तो फिर भी पता चल गया था लेकिन दतूरा पिटूनिया पता नहीं चलेगा आपको, वो गलत हो जाएगा, समझ गए ना। तो दतूरा क्या है जीनस या जेनेरा होगा और पिटूनिया क्या है, और सोलेनम तो जानते ही हो आप है कि नहीं। देखो इधर तो कहने मतलब आर प्लेस इन द फैमिली सोयनेसी, इन तीनों को मिला के कहां रखा गया, कौन सी सोयनेसी में, कहां पे सोयनेसी में, तो सोयनेसी इन तीनों की जो फैमिली हो गई कौन सी हो गई सोयनेसी ठीक है। आगे देखो कह रहे कि एमंग्स एनिमल्स एग्जांपल जीनस पैंथरा कंप्राइजिंग लायन, अगर हम पैंथरा की बात कर लेते हैं, पैंथरा हम लोग पढ़ चुके हैं और पैंथरा की बात करें इसमें क्या क्या देखो आया था, लायन टाइगर लिपर्ड इज पुट अलोंग विद जेनेरा फेलिस कैट, मतलब ये कहने मतलब ये है कि फैमिली क्या रखी गई, देखो इन द फैमिली फेलिडी, क्या है फेलिडी, मतलब कहने मतलब ये हो गया पैंथरा और फेलिस दोनों जेनेरा को या जीनस को मिला के एक फैमिली में रखा गया है जिसका नाम है फेलिडी, क्या फेलिडी, कुछ हमारी बात क्यों गए फेलिडी। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, अगर हम कैट और डॉग की बात करें तो कैट को क्या बोलते थे फेलिस डोमेस्टिकस, डॉग को कैनिस फैमिलरिस, दोनों का जीनस और स्पीसीज अलग अलग की सेम, अलग अलग ही सेम है, अलग अलग है भाई देखो। और दूसरी बात कह रहे हैं कि सिमिलरली इफ यू यहां पे कह रहे हैं विद जीनस फेलिस कैट इन द फैमिली फेलिडी, सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल, दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी, डॉग का फैमिली कौन कैनिडी, और आपसे पूछे कैट की फैमिली क्या, टाइगर की फैमिली क्या, लायन की फैमिली क्या ठीक है, लिपर्ड की फैमिली क्या, कुछ माया तो कुम ला के फेलिडी में आपको चार चीजें रखी गई है, टाइगर लायन लिपर्ड और कैट बिल्ली, और कैनेडी फैमिली में रखा गया किसको डॉग को, तो डॉग की सिर्फ एक ही फैमिली नाम क्या है, समझ माया कुछ, तो इस तरीके से कुछ भी ओवरलैप करके आपसे पूछ सकते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि कैट और डॉग कहां पे सिमिलरिटी शो करेंगे, किस जगह
ऑर्डर में, बिल्कुल सही है। ऑर्डर क्या है दोनों का? कार्निवोरा। कैट का भी ऑर्डर कार्निवोरा और डॉग का भी, तो ये जाके कहाँ पे ऑर्डर में सेम आएंगे। पास में है कुछ? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। खैर, तो डॉग की फैमिली अलग हो गई और कैट की फैमिली भी अलग हो गई। डॉग की फैमिली का नाम क्या बताया? कैनेडी। और नाम याद रहेगा तो याद हो जाएगा, कैनिस फैमिलरिस, कैनिस कैनाइन से आया है, तो कैनेडी याद करिएगा, इसमें अलग से नहीं है। और फेलिडी आपको पता है यहाँ पे, तो फेलिडी किसकी है? ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा ना, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। चलो मैं एक साथ करवा देता हूँ इसमें, क्योंकि तो इसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो सिंपल से अगर हम यहां बोले, देखो तो हमने क्या बताया यहां पे, सबसे पहले फेलिडी करते हैं। क्या है फेलिडी बताओ? फेलिडी में मैंने क्या क्या रखा? हाँ, लायन किया, दूसरा टाइगर हो गया, और लीपर्ड हो गया, और कैट हो गया। ठीक है, नाम जानते ही हो, तो चारों को फैमिली क्या हो गई? एक। ठीक है, उसका नाम क्या है? फेलिडी। लायन का नाम बताइए, पैंथरा, टाइगर का, लीपर्ड का, और कैट का? कैट का फेलिस, फेलिस डोमेस्टिका या डोमेस्टिकस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चारों की फैमिली क्या हो गई? सेम। दूसरी हमने बताया यहां पे कैनेडी, कैनेडी में क्या रखा गया है बताओ? डॉग। ठीक, और डॉग का नाम क्या बताया था? कैनिस फैमिलरिस। क्या? कैनिस फैमिलरिस। और ये डॉग और फैमिली, सॉरी कैनेडी की बात करें, कैनेडी क्या है? ये फैमिली है क्या ये? और ये फेलिडी क्या है? फैमिली है। और आपसे पूछे कि बताओ फेलिडी और कैनेडी कहां जाके मिलेंगे? ऑर्डर में। इन दोनों का ऑर्डर अगर हम बात करें, फेलिडी का और कैनेडी का, तो ऑर्डर कौन सा जाएगा? कार्निवोरा, इसके बाद वाला जो आएगा कार्निवोरा। ये क्या है? ऑर्डर है। तो आपसे पूछे डॉग का ऑर्डर बताओ, कैट का ऑर्डर बताओ, लायन के बताओ, टाइगर के बताओ, डॉग का बताओ, इन सब का ऑर्डर क्या उसमें है? तो पांच मैंने बताया, पांचों का ऑर्डर क्या है? क्लियर। तो किसी लेवल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो खैर, आप कह रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद से हो जाएगा ना, इसके बाद में क्वेश्चन भी करा दूंगा साथ साथ में, तो आप बोले क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं? ठीक है, जैसे 2019 में भी क्वेश्चन आया, इससे मैचिंग करने के लिए दिया गया, तो उसमें टैक्सन दिया गया, एक तरफ किंगडम फाइलम, उधर ऑर्गम दे दिया है, नाम लिख दिया है, क्या है ये? जैसे फेलिडी लिख दिया है, तो फेलिडी क्या है? फैमिली है, है ना? इंसेक्टा क्या है? इंसेक्टा क्लास है। तो ऐसे एक तरफ क्लास लिख दिया, इधर इंसेक्टा लिख दिया, उसको मैचिंग करना था। मैचिंग वाले 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, मैचिंग वाले, उससे कुछ करना नहीं रहता एक, और खासकर ऐसा अगर एक मिल गया तो सारे मिल जाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। ठीक, देखो इसमें आ गया, तो हम लोग बात करें फैमिली की। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, तो दतुरा क्या है? फैमिली है कि ऑर्डर है? जीनस है। पिटूनिया क्या है? ठीक है, याद रहेगा, और सूर्यनाम तो आपको याद ही रहेगा। क्लियर, चलो ये हो गया हमारा, सूर्यनाम की बात कर लेते हैं। ठीक है, बस यहीं तक करेगा क्या? यहीं तक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम करा देंगे आपको, और जितना मैंने कराया है इस पर याद करके आइएगा, और पीछे क्वेश्चन अगर करके आइएगा अदरवाइज मैं करवा दूंगा आपको। और अगर 10 क्वेश्चन करेंगे जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपके। ठीक है, बस, थैंक यू।